देख रहे पीटन न्यूज। आम आदमी पार्टी की विधायिका पर क्षेत्रवासियों ने छठ पूजा में बाधा डालने के लगाए आरोप। अब खबर विस्तार से। लुधियाना श्री सूर्योदय मनदीप सिंह सेवा समिति के चेयरमैन सरदार निर्मल सिंह एसएस ने बताया कि वह पिछले 7-8 वर्षों से छठ पूजा कराने में सहयोग करते आ रहे हैं और माता रानी के आशीर्वाद से जनता के सहयोग से भक्तिभाव से निःशुल्क सेवा करते चले आ रहे हैं और यह छठ पूजा अपने स्वर्गीय पुत्र मनदीप सिंह एसएस की याद में करते चले आ रहे हैं और यह जमीन स्वयं खरीदकर छठ पूजा के लिए दान की हुई है। लेकिन लुधियाना दक्षिणी की आम आदमी पार्टी की विधायिका राजेंद्र पाल कौर छिना अपनी राजनीति चमकाने के लिए लोगों की भावनाओं से खेलने का काम कर रही है। हल्के वासियों ने सरदार निर्मल सिंह एसएस को बताया कि छठ पूजा वाली जगह पर जेसीबी द्वारा जगह को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। जानकारी से पता चला है कि किसी भी विभाग ने ऐसा कोई भी आदेश दिया ही नहीं था जो जमीन को खुर्द-बुर्द किया जाए। जेसीबी ऑपरेटर से जानकारी मिली है कि विधायिका के आदेश का पालन किया जा रहा है, जिससे हल्के वासियों में काफ़ी रोष है और उन्होंने कहा कि छठ पूजा तो यहीं पर मनाई जाएगी, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। आम आदमी पार्टी की विधायिका को इसलिए वोट नहीं दिया था कि वह हमारी भक्ति भावनाओं से खेलने की कोशिश करे। लुधियाना से महेश कुमार की खास रिपोर्ट। खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। ये है जी, जहाँ पर हम हर साल अपने बेटे की याद में स्वर्गीय मनदीप सिंह उनकी याद में हर साल छठ पर्व का जो त्यौहार है वो हम मनाया जाता है। यहाँ पर खड्डा खोद के पानी भरा जाता है, उस पानी में जड़ी इलाके की महिलाएं हैं तो वहाँ अपनी आस्था पूजा करती हैं। तो उसी चक्कर में आज जो यहाँ की जो मैं आया तो देखा आके कि एक मशीन लगी हुई है, तो मैंने उनको पूछा भी आपको किसने भेजा है। वो कहने लगा कि मेरे को रिकी ने भेजा है। मैंने रिकी को फ़ोन किया भाई किसने भेजा, कहता है हमारे को MLA का हुक्म है कि ये जहाँ जो खड्डा है वो तोड़ दो। मैंने कहा कि वो किस लिए, मैंने ऊपर जोनल कमीशन को फ़ोन किया, एक्शन को फ़ोन किया, कहते हमारे पास कोई नहीं है, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है। तो मेरे कहने का भाव कि ये MLA जहाँ जो विधायक बनी हुई है इसका ये काम नहीं कि लोगों की आस्था है, लोग छठी माता को मानते हैं, वहाँ उनकी पूजा करते हैं, तो ये मैं समझ रहा हूँ कि ये धर्म के साथ सीधा सीधा हमला है। किसी के धर्म को रोकना, किसी के धर्म को पूजा नहीं करने देना, ऐसे घटिया काम मैं समझ रहा हूँ कि इससे ऊपर क्या कह सकते। क्षेत्र की कितनी महिलाएं हैं ऐसी जो इसका विरोध कर रही है? देखो महिलाएं तो यहाँ पर कम से कम जितने ये घाट बने हैं, जो महिला आके अपनी जहाँ पूजा करनी है वो बनाती है, क्या नाम उसको, देवी बनाती है, ये तकरीबन यहाँ पर 1000 के करीब होगा, 1000 से भी ज़्यादा होगा, 1500 होगा, जिन लोगों ने यहाँ पर अपनी वो देवी जो पूजा स्थान बनाया हुआ है। तो वो किसी के पूजा स्थान में नहीं आके देखा, ये पूजा जो स्थान बने हुए थे वो आके उसने उखाड़ दिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी घटिया राजनीति इस जगह के हमने ऋषि कराया हुआ है। अगर किसी को कोई इतराज है, कोई सरकार की तरफ से कोई स्टे हो, कोई और हो, तो हम मान लेते हैं, लेकिन ये सीधा सीधा किसी के धर्म के ऊपर अटैक करना है, अभी किसी को छठ पूजा नहीं मनाने देना। तो मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, ये छठी माता का मैंने अपनी बेटे की याद में करवाता हूँ ये प्रोग्राम। मैं किसी से चंदा नहीं लेके करता, अपने पैसे से ये प्रोग्राम करता हूँ ताकि ये लोग जड़े यहाँ पर अपनी पूजा कर सकें। तो ऐसे पूजा में बाधा डालना, तो मैं विधायक का क्षेत्र तो काफ़ी बड़ा होगा, तो सभी भी जगह विरोध है कि सिर्फ इस जगह विरोध कर रहे हैं भाई? और मेरे को तो पता नहीं, जैसी उसकी सोच है तो मेरे को ऐसा नहीं मैं कह सकता कि ऐसी घटिया सोच की विधायक हो जो किसी के धार्मिक पूजा स्थान पूजा न करने दे, तो इसे और क्या मैं कह सकता हूँ। कितने साल से यहाँ पे पूजा हो रही है? जहाँ 6 साल है, 6 साल इसी स्थान पे, 6 साल हर साल यहाँ पूजा होती है। 2 साल पहले वहाँ के जी 8 साल हो गए। 2016 में मेरे बेटा स्वर्गीय मनदीप सिंह उनकी मृत्यु हुई थी, उनकी याद में हम ये छठ पर्व मनाते हैं। ये आम आदमी पार्टी सरकार तो पिछले साल भी थी, क्या पिछले साल भी इसकी इस तरह विरोध किया गया था? पिछले साल भी इन्होंने कोशिश की थी,
के छठ पूजा ना हो, ये छठी माता की कृपा है, ये धार्मिक प्रोग्राम होना है। मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि इस पूजा को कोई रोक नहीं सकता। मेरे को जिस भी मर्जी कोई कुर्बानी देनी पड़े, मैं ये पूजा के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हूँ, लेकिन मैं पूजा हर हालत में यहाँ पूजा होगी। अगर मान लिया किसी कारणवश ये रुक जाती है विधायक दबाव के कारण, तो फिर क्या कारण हो? ये लोग हैं ना जिनकी पूजा हो रही है, उनको लोगो जागेंगे कि किसी के धर्म के साथ अटैक करना, तो ये आम आदमी पार्टी है, यही बदलाव है, यही बदलाव के लिए लोगों ने ये पार्टी को चुना है। ये बदलाव है कि किसी का धार्मिक प्रोग्राम नहीं होने देना, इसको बदलाव है। नाम है आपका? मेरा नाम है सोनिया। क्या मामला हो गया यहाँ पे? मामला ये हो गया, छिंदा मैडम आई थी, तोर पार कर रही है, भेजी थी, किसी को भेजी थी, तोर पार कर रहे हैं। 8-9 साल हो गया हम लोग पूजा पाठ यही करते हैं। क्या कारण है, क्यों कर रही है? अब कारण उसको पता होगा, कारण उसको पता होगा कि क्यों तोर पार कर रही है। अगर यहाँ पे पूजा नहीं करने देती है तो आप लोग क्या करेंगे? हम विरोध करेंगे, उसके खिलाफ बोलेंगे हम। पूजा तो यही होगा, पूजा यही होगा। हाँ, छठ पूजा क्यों नहीं होगा? हम चाहे मरेंगे जिएंगे, पूजा यही पर करेंगे। क्या नाम है? क्या मामला हो गया यहाँ पर? ना हम 8 साल से छठ करते हैं, छठ पूजा करते हैं। आज हमको पता लगा जे डोजर मशीन आया था, ये छठ पूजा बनाए हैं हम, बेदी बनाए हैं, तो सब तोड़ा जा रहा है। इसलिए क्या कारण है? तो मैं यहाँ पर आई तो मैं बोली ऐसे कैसे हो गया, क्यों तोड़ा जा रहा था? बोलते हैं जो MLA मैडम है उन्होंने भेजा है, तो उनसे क्रेन वाले से पूछे, क्रेन वाला भैया से जब क्यों किस आपको किसने भेजा, तो बोलता हमको मैडम ने भेजा। क्या आपत्ति है उनको? और पता ना क्या आपत्ति है उनको, ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम प्रवासी लोग यहाँ कुछ दिन से छठ पूजा कर रहे हैं। हमको यहाँ पर हम कहाँ जाएं करने के लिए, हम कुछ दिन से यहाँ पर छठ पूजा कर रहे हैं, तो उनको ऐसे नहीं करना चाहिए। जो भी है तो बात रहती है, तो नहीं है कि चलो हम सारे जिंदगी वही काम करते हैं, जो अपनी पूजा करके हम हट जाते हैं, वो अपने खुशी से करवा रहे हैं। 8 साल से करवा रहे थे, अभी ऐसे कोई नहीं था कि आके घाट तुलवा दे, लेकिन पता ना कौन किसको इतना दिक्कत है कि ऐसे काम करवा रहे। पीछे जो ऐसे नहीं करना चाहिए किसी को, कोई भी हो, कोई भी सरकार आ जाए, जो अगला करवा रहे हैं वो खुशी से अपना करवाते, न हमको लेना है न देना है उसमें। एक रुपया हम आज तक से नहीं खर्चे, 8 साल हो गए, पूजा करते भी कभी हम एक रुपया नहीं दिए, इतना धूम लुधियाने क्या पंजाब में नहीं देखते कैसे छठ होता है, कभी हम 1 रुपया खर्च नहीं है 8 साल में, लेकिन आपने वोट भी डाली है तो सब कुछ डाले हैं, ऐसे तो जीती नहीं है, एक ही आदमी को देने से तो नहीं जीते, सारा दिए हैं तभी तो जीती है। लेकिन ऐसे बताइए उनके जब धर्म में हमको आपत्ति नहीं, तो हमारे धर्म में क्या आपत्ति है? हम यहाँ पे रजिस्टर करा के घर बनाने आए हैं कि आप एक दिन करते हैं, वो भी ना हम देते हैं ना लेते हैं, वो खुद अपने शौक से करवाते हैं। तो क्या कहना चाहोगे? हम यही करेंगे कि हमारा पूजा में बाधा ना डाले, अगर बाधा डालती है तो खुला जो भी डाल रहे हैं, जो भी डाल रहे हो हमारे सामने आके कहते हैं, फिर हम जो करना होगा हम अपने आप करेंगे, हमको जहाँ भी जाना होगा हम जाएंगे। इलेक्शन भी आ रहे हैं आगे, फिर क्या कहना चाहोगे? इलेक्शन आ रहे हैं तो जो कर रहे हैं तो ऊपर हो ही जाएगा, वो माता रानी उनको खींच लाएंगी, वो तो होना ही होना है। अगर सच्चाई रहेगा और सच्चाई रहेगा यही करेंगे तो यही करेंगे, हम यही पूजा करते हैं, यही करेंगे, छठ पूजा यही होना चाहिए, कोई भी छठ पूजा में बाधा नहीं आना चाहिए, यही पूजा करेंगे, यही करते रहेंगे सर के साथ।